प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जन्म दिवस को पूरे प्रदेश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के चलते आज इंदिरे के बीडीओ सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक राम कुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका इंदिरे के SDM सुमित सिहाग ने शॉल व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व सरपंच मौजूद रहे। विधायक राम कुमार कश्यप ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश में से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए थे। उसी की राह पर चलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के हर वर्ग का एक समान विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक लोग जागरूक नहीं होते हैं, तब तक विकास नहीं हो सकता है। हमें अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी जानना होगा। कश्यप ने कहा कि प्रदेश में पोलियो का सफाया इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि देश की जनता ने इसमें पूरा सहयोग दिया था। उन्होंने उपमंडल के सभी अधिकारियों को अपील की कि वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से करें और लोगों की बात को सही ढंग से सुने और सही कार्यवाही करें। SDM सुमित सिहाग ने कहा कि इस साल को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इंदिरे से संवाददाता अमित सरोहा की रिपोर्ट। मंडल इंदिरे की तरफ से सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। इसमें सभी मंडल स्तर के सभी अधिकारी गण और कर्मचारी भाई आए हैं, तो सभी ने यारी इस अवसर पर जो लाइव था माननीय मुख्यमंत्री का संदेश भी इस अवसर पर सुना सभी ने। मुझे पूरी उम्मीद है जो मुख्यमंत्री ने हमारा मार्गदर्शन किया आप सभी का, अच्छा शासन चले, शासन के जवाबदेही हो और शासन जो है जनता की आशाओं के अनुरूप चले, जनता की समस्या सुने और जनता की समस्याओं का जो है शीघ्र निपटान हो, ऐसा मतलब माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री ने मुझे संदेश दिया है। मुझे पूरी आशा है जितने हमारे अधिकारी गण और कर्मचारी गण यहाँ पर आए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री का संदेश से शिक्षा लेकर के, तो प्रेरणा लेकर के मतलब सभी अच्छा काम करेंगे सरकार का और जनता की जितनी समस्याएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री कह रहे थे काम इस प्रकार से होना चाहिए भी जनता को जहाँ चक्कर नहीं लगाने पड़े, चक्कर पे चक्कर, ये चक्कर पे चक्कर ही जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जनता को दुखी करता है। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी सारी सरकार हरियाणा के माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में और हमारे यहाँ के मंडल के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उससे संदेश, उससे प्रेरणा लेकर के अच्छा काम करेंगे और अपने हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो उनकी ड्यूटीज़ है, जो कर्मचारी के अधिकारी की ड्यूटीज़ है, उस ड्यूटी को अपना निष्ठा से निभाए। मतलब जैसे आज फाइल आई है और आज फाइल निकलनी चाहिए तो निकलनी चाहिए आज। अब ये नहीं है फाइल आ गई यार उसको 10 दिन या 15 दिन लटका के रखे या कोई मन में कुछ बात हो और हो, वो दुर्भावना नहीं होनी चाहिए भी मैंने इसको 10 दिन के लटका के रखना, परेशान करना है, तो ये फिर ये लटकाने का मतलब परेशानी का कारण बन जाता है। जनता जो है चक्कर लगाने पड़ते हैं, आज आया कल आया परसों आया, तो ये अगर नहीं होगा तो मैं मानता हूँ अच्छा शासन चलेगा, जवाबदेही होगी और मेरे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे अब कहा है उससे सारी शिक्षा लेकर गया, सारे अच्छा काम करेंगे ऐसा मेरा मानना है। सभागार में हम सुशासन दिवस पर इकट्ठे हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने शुभ संदेश सुना सुशासन दिवस पे और जो उन्होंने दिशा निर्देश और गाइडलाइंस हमें शासन को सुशासन बनाने में, जो सही रूप में सुशासन बनाया जा सकता है उनके बारे में दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही जो संकल्प जो दिया है हमें 2020 के लिए उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सभी कर्मचारी अधिकारी उपमंडल स्तर इंद्री के पूर्ण रूप से उसको निभाएंगे और अपनी कार्यशैली में उसको अपनाएंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।